चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लिबरलिज्म बिकेम द मेन कंसर्न ऑफ यूरोप आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने भयंकर लेवल पे क्या करी थी, मेहनत करी थी। क्या करी थी? बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बार नहीं हुआ था, तीन तीन चार चार बार हुआ था। कैसे हुआ था? सक्सेसफुल तीन तीन चार चार बार। पहली बार क्या हुआ था? नेशनल असेंबली बनी थी। नेशनल असेंबली बनी थी, फिर हट गई थी और उसकी जगह क्या बना था? कन्वेंशन बना था, प्रोविंसियल था। कन्वेंशन हटा था, फिर क्या बना था? डायरेक्टरी नेपोलियन रूल्स ऑफ फ्रांस। डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो फिर क्या बना था? नेपोलियन ने पावर ले लिया था अपने हाथ में। तो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रोबेस्पियर की गवर्नमेंट, रोबेस्पियर से डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, और डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, मतलब इतनी रेवोल्यूशंस हुई थी, राइट। उसके बाद भी, इतनी बार गवर्नमेंट के फॉर्म्स चेंज होने के बाद भी, वन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अभी तक किसी को नहीं मिला था, बिकॉज नेपोलियन ने भी राइट टू वोट सिर्फ किसको दिया था? एक्टिव सिटीजन। तो इसलिए लोग बड़े क्या थे? परेशान थे। तो ये चीज जब फ्रेंच फ्रेंच ने गोवा में टेरिटरी बनाई थी उसके पहले थी उसके बाद बाद में, ठीक है। फ्रांस क्या था ना बेटा, हेलो व्हेन फ्रांस सीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। सबसे पहले रेवोल्यूशन ही कहाँ हुई थी? फ्रांस फ्रांस हमारे यहाँ पे बेचारे आए कब थे? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद उन्होंने कैप्चरिंग वगैरह तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। तो सो मतलब दैट बहुत इज सारी मच सारी लेटर अ लेक्चर टाइम फेस। पास करना अभी तो ये लोग अपने ही जीवन में त्रस्त थे, ठीक है ना? ठीक है। प्रोटेस्ट भी बहुत हुए हुए होंगे ना, क्योंकि वही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। इतने रिवोल्यूशन होने के बाद भी वेमेन जो थी उनको अभी भी क्या नहीं मिला था? राइट टू प्रॉब्लम वोट नहीं मिला था, ठीक है ना। थर्ड, मार्केट्स अभी भी फ्री नहीं थे, बिकॉज नेपोलियन ने जो 39 कॉन्फेडरेसीज जर्मन की अपने अंडर करी थी, 39 कॉन्फेडरेसीज में क्या था? सब जगह करेंसी अलग, वेज अलग, कस्टम ड्यूटीज अलग, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या नहीं हो पा रहा था? फ्री नहीं हो पा रहा था, ठीक है। स्टेट्स में ये सारी सारी चीजें क्या थी? परेशानियां थी, ठीक है ना। दे इसके बाद, ये सब होने के बाद भी, जब लिबरलिज्म आया तो उनका प्राइमरी कंसर्न क्या था? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। हालांकि फ्रांस में ऑटोक्रेसी क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था, पर फ्रांस में जब तुम पढ़ोगे कि जब नेपोलियन क्या करा था, हार गया था, तो वापस से क्या आ गई थी? ऑटोक्रेसी आ गई थी। यानी कि आफ्टर द लॉस ऑफ, यू नो, नेपोलियन लॉस द बैटल ऑफ वॉटरलू, उसके बाद भी क्या हुआ था? उसके बाद वापस से फ्रांस में फिर से क्या आ गई थी? एक पपेट रूलर बिठा दिया गया। आगे के बाद समझ में, नेपोलियन नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन जो जो चेंजेस लेकर आया था फ्रांस में, वो सारे जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया था, वो सारे चेंजेस क्या कर दिए गए? रिवर्स कर दिए गए। क्या कर दिए गए? रिवर्स। और इसलिए वापस से वहां पर ऑटोक्रेटिक रूल आ गया। ऑटोक्रेटिक मतलब एक बंदे का राज, और वो एक बंदा कौन हुआ करता था? किंग किंग हुआ करता था, राइट। किंग नहीं, अभी इस टाइम पर किंग आया था, मोनार्की ठीक है। जितनी भी ये कंजर्वेटिव रेजाइन, सॉरी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, उसके बाद भी क्या हो गया था? वापस से इन लोगों ने राजा को सीट पे बैठा लिया था, उसकी थ्रोन पे बैठा लिया था, राजगद्दी पे बैठा लिया था। तो लोग चाह रहे थे कि फ्रांस से तो क्या हटे, राजा के हाथ से पावर हटे, लेकिन फ्रांस के जो बाकी यूरोपियन नेशंस भी हैं, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ से भी क्या होना चाहिए? राजा का पावर हट जाना चाहिए। ब्रिटेन की कहानी बहुत अलग है ना? ब्रिटेन फ्रांस का ही बाप था, इसलिए। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद वो चाहते थे कि चलो ये तो हो गया, राजा को पावर से हटाया, तो राजा को पावर से हटाया तो अब राज कौन करेगा? तो मुद्दा ये था कि राजा को, जब राज है ना पावर से हटाएंगे, तो हमको एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ही बनानी पड़ेगी। यानी कि लिबरलिज्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि अभी तक ऑटोक्रेसी खत्म नहीं हुई थी, अभी तक कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनी नहीं थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कहीं नाम ही नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और अभी भी क्या थी? ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी, मार्केट्स में किसी मार्केट को फ्रीडम नहीं थी कि आप जहाँ चाहो जैसा चाहो बिजनेस करें। और लोग पैसा ही किससे कमाते? बिजनेस से। अब आप बिजनेस से ही पैसा करवा रहे हो और आपको मार्केट को ही आप रेस्ट्रिक्टेड कर दोगे, तो लोग सोचते हैं हम इस तरह, क्योंकि मार्केट में बिजनेस ओके, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स क्या हुआ था? लिबरलिज्म जो था वो किसके साथ फ्यूज हो गया था? फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ फ्यूज हो गया था, कि हमको ये तो चाहिए ही, बट साथ में वी वांट दीज अदर थिंग्स एज वेल। अब
जब तक सब कुछ हो, एक कंट्री के बाहर वॉर नहीं कर रहे थे, बस ही चल रहा था इनका अभी ऐसे। तक हर नेशन अपने लेवल पे स्ट्रगल कर ही रहा था, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखें तो ठीक है, तो जब तक ये कहानी हो, सारे देशों में एक साथ तो आप राजा को थ्रोन से हटा नहीं सकते, है ना। सारे देशों में जो लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है वो भी कम होती। जब तक ये हो, तब तक प्रूशिया नाम की कंट्री थी, उसकी लीडरशिप ली ये और प्रोशिया उन्होंने, तो दो तीन कंट्री के मिक्स थे ना। पढ़ेंगे अभी अपन प्रूशिया को एक कंट्री मानेंगे, रूल्ड बाय एन एम्परर, ठीक है। तो प्रूशिया ने क्या करी, लीडरशिप ली, और प्रूशिया ने अपनी लीडर, अंडर हिज ओन लीडरशिप, एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था जुलेवरीन। जुलेवरीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो व्हाट वाज जुलेवरीन, ध्यान सुनना, इट वाज अ कस्टम यूनियन। व्हाट वाज जुलेवरीन, पहली बात, दैट इट वाज अ कस्टम यूनियन, ठीक है ना। नाउ दिस कस्टम यूनियन वाज फॉर्मड इन 1834, इट वाज फॉर्मड इन 1834। इन्होंने बोला हम लोग जो हैं 30 कंट्रीज है अप्रोक्सीमेटली, या 30 स्टेट्स है, कंट्री बोलना में गलत हो जाएगा, वी आर 30 स्टेट्स हु आर हैविंग डिफरेंट करेंसीज। सो हम लोग क्या रूसिया में करेंगे, नहीं रूसिया के एक ही करेंसी आसपास, बना लेते हैं। रूसिया के लीडरशिप, रूसिया टुक द इनिशिएटिव ऑफ फॉर्मिंग जुलेवरीन। व्हाट वाज जुलेवरीन, जुलेवरीन वाज अ कस्टम्स यूनियन, ठीक है, कि हम आपस में एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि अगर जैसे गवर्नमेंट कैसे कमाएगी फिर, आपस में एक दूसरे से टैक्स आपस नहीं लेंगे, मतलब मेरी कस्टम गवर्नमेंट को ड्यूटीज नहीं आपको पे भी नहीं लगेंगी। करना पड़ेगा और आपकी गवर्नमेंट से मैं भी नहीं लूंगी। तो ऐसे में हम लोग के बीच में मार्केट्स क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिवली स्टेबल हो फ्री हो जाएगी। जाएंगे, कि हम कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। और इनकी जो 30 अलग अलग करेंसीज थी, इसको इन्होंने रिड्यूस करके दो पे कर दिया। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन बाद में, यूरो जैसे यूरो जोन बना था, ठीक है। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रोशिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रोशिया, दे रिड्यूस देयर नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 टू इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड, ये बोला कि हम लोग आपस में किसी भी तरह के कोई भी टैरिफ बैरियर्स नहीं लेंगे, यानी कि बाउंड्री क्रॉस करने के टैक्सेस हम लोग एक दूसरे को चार्ज नहीं करेंगे हम आपस में। सो दैट वाज नॉर्मल जुलेवरीन, पीपल भी उसे जा सकते हैं वीजा के लिए, ट्रेडर्स 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 को। ट्रेडर्स, ठीक है ना। इट वाज अ कस्टम्स यूनियन बेटा, घूमने नहीं जाना है, वाज अ कस्टम्स ये यूनियन। कस्टम ड्यूटी की तो लगती थी, तो लगती थी ना, इसलिए तो हटाया इसको, बोला हम आपस में सब ट्रेड कर ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी आपको पे कर रहे हैं, आपको भी हम पे कर रहे हैं। थोड़ी डिस्पैरिटी आ रही है पे में, जिससे ना आपका फायदा हो रहा है ना हमारा फायदा हो रहा है, पर सिस्टम बहुत इनकन्वीनियंट हो गया। सो दे मेड द सरकार सिस्टम हटाई कन्वीनियंट, एग्जैक्टली, ठीक है। क्या किया अब पहले से दोषी, नहीं, सॉरी अब सुनो, जो मैं कहानी तुम्हें अभी सुना रही थी, व्हाट हैपेंड आफ्टर आफ्टर नेपोलियन लॉस्ट बैटल ऑफ वाटरलू। जैसे ही नेपोलियन क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, तब साइन हुई ट्रीटी ऑफ वियना। क्या साइन हुई, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना भी कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। व्हेन वाज कांग्रेस ऑफ वियना फॉर्म, आफ्टर द लॉस ऑफ नेपोलियन इन 1815, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन हार गया, तो जितने भी लोगों ने इसे हराया था ना, बहुत सारे देशों ने मिलकर हराया था, फ्रांस, पोलैंड, रशिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये दे ऑल वर इन्वॉल्व इन द वॉर विद नेपोलियन, ठीक है। सो दे यू नो टुगेदर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वाटरलू, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक नया क्रिएट किया एम्पायर। कैसे किया एम्पायर क्रिएट, पहली बात, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी कौन सी थी, किंग लुई 16 वाली डायनेस्टी थी, उसका पैलेस ही, ठीक है ना। तो किंग लुई 16 का जो फैमिली था, उसको वापस से बोल दिया, क्या अब आप यहाँ फ्रांस पे क्या करोगे, राज करोगे, तो अभी ठीक है तक ना। यूनाइटेड नेशंस नहीं है ना, अपेट रूलर की तरह। यूनाइटेड नेशंस केम आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज हाँ 1945, एंड दैट इज एंटायरली अनकोरिलेटेड विद दिस। हाँ, मतलब वी टॉक अबाउट इट लेटर। फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज। व्हाट डस दिस मीन, कि फ्रांस ने नेपोलियन के अंदर जो आसपास के देश कॉन्कर करे थे, वो सब क्या करे, उससे ले लिए गए, बोला फ्रांस जो फ्रांस था नेपोलियन के पहले वैसा ही रहेगा,
फ्रांस ने नेपोलियन के अंदर कोई दूसरा देश अक्वायर भी करा होगा तो भैया वो सारे उसको छोड़ने पड़ेंगे। रुको, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, ठीक है, और इसके साथ कौन था? बेल्जियम भी था, क्योंकि बेल्जियम नेदरलैंड का बच्चा था। बच्चा मतलब अच्छा वाला बच्चा नहीं, नेदरलैंड ने जबरदस्ती बेल्जियम को कंट्रोल करके रखा हुआ था, ठीक है। तो कॉलोनी थी उसकी। नॉट एग्जैक्टली कॉलोनी, बट हाँ, नेदरलैंड्स कंट्रोल्ड बेल्जियम, तालिबान अब शांति शांति, ठीक है ना। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स जो कहाँ था? बेल्जियम, बेल्जियम के साथ कहाँ सेटअप हो गया? फ्रांस के नॉर्थ में, ताकि क्या हो, अब कभी भी फ्रांस कभी नॉर्थ में एक्सपांड करने का नहीं सोचे। नॉर्थ में कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करे, वहां पर कौन बैठा हुआ है? किंगडम ऑफ नेदरलैंड बैठा हुआ है। वैसे ही साउथ में किसको बिठा दिया इन्होंने? जिनोआ। साउथ में किसको बिठा दिया? जिनोआ को, ताकि अब वो साउथ में भी एक्सपांड ना कर पाए। कब कर दिया इसका? ठीक है, प्रूशिया को बहुत सारी टेरिटरीज दी गई जो किसने अक्वायर करी थी? फ्रांस ने अंडर नेपोलियन अक्वायर करी थी। जैसे कि एक टेरिटरी थी पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, मतलब सेक्सोनी का काफी पार्ट किसको दे दिया गया था? प्रूशिया को दे दिया था, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था, ठीक है। रशिया को पोलैंड का कंट्रोल दे दिया गया था, ठीक है। और नेपोलियन का जो कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको कुछ भी नहीं करा था। ये जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, ये जर्मनी का पार्ट था। ओके, आई बात समझ में? सो दिस इज कांग्रेस ऑफ वियना। क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सिर्फ सुनो। पहला, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। पहला क्या? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। फिर एक मिनट बाद, सेकंड, नॉर्थ में क्या बना था? किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स अलोंग विद बेल्जियम। साउथ में क्या बना था? जिनुआ बना, ठीक है। प्रूशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज, प्रूशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज इंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ सैक्सनी, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया गॉट पोलैंड, रशिया गॉट पोलैंड, रशिया गॉट पोलैंड, ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्दर्न इटली। आई बात समझ में? नेपोलियंस कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियंस कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज लेफ्ट अनटच्ड। क्लियर है ये कहानी? एक बार फिर से ध्यान से वापस सुननी है, इसे आंखों में और दिल में और दिमाग में सब जगह बिठा लेना है। कांग्रेस ऑफ वियना जो 1859 में हुई, उसमें व्हेन बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, इसका मतलब क्या हुआ? एक पुरानी रजाई, पुरानी रजाई मतलब जिनका राज पहले चला करता था, वो वापस आ, पर अब वो क्या चाहते थे? कि जैसा था सब वैसा कि वैसा हो, बदलाव तब लाओ जब वो बहुत जरूरी हो। Only when it is very, very necessary. Only when it is very, very necessary. तो जब हम लोग पढ़ते हैं इस टर्म को, क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिज्म। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म क्या होता है? तो कंजर्वेटिज्म एक सोच होती है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि आप ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशनल सोसाइटी को प्रिजर्व करो और चेंज तभी लाओ व्हेन इट इज वेरी मच नीडेड। मतलब पुरानी सोच वाले जो लोग कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स यहाँ क्या बोले थे कि आप जो ये रेवोल्यूशन लेकर आए फ्रांस में, ये सब पाप था, ये सब करना ही नहीं। मर रहे थे क्या आप राजा के रूल में? नहीं ना, मर भी रहे थे। दो टाइम का खाना मिल रहा था, दो टाइम का ही तो नहीं मिल रहा था। देख अगेन, मर गए थे क्या? मर रहे थे क्या? इनका कहना था तड़प रहे थे ना, पर मरे तो नहीं। सो दे सेड कंजर्वेटिव डिजाइंस सेड ब्रिंग अबाउट अ चेंज ओनली इफ इट इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज। यानी कि मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनार्की, राजा को रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसे पहले देते थे। चर्च को जो अथॉरिटीज थी, चर्च को जो फ्री फ्री के इतने सारे लैंड मिल जाते थे, जो क्लर्जीज को इतने सारे टैक्सेस मिल जाते थे, ये सारी चीजें मिलना चाहिए। सोशल हायरार्की, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, हाई क्लास, लो क्लास, ये शुड बी टॉप क्लास नहीं होने, मतलब ये सब मेंटेन करना है। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव वो थे मॉडर्न, जैसे नेपोलियन हम लोगों ने पढ़ा था सिविल कोड में इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था, मार्केट्स को उसने फ्री कर दिया था। तो बोला जो भी नेपोलियन चेंजेस लाया वो सब हटाओ, जो पुराना था ना वैसा कि वैसा चलने दो, चेंज तब लाओ व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी। सो कंजर्वेटिव रेजिमेंट्स वर ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब एक बंदे का ही राज होना चाहिए, ठीक है।
इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म मतलब अब राजा और उसके रूल की बुराई नहीं करो। डिसेंट, यू आर नॉट अलाउड टू बी डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कर रही है आपके लिए अच्छे से कर रही है, आपको किसी भी तरह का डिससैटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट भी नहीं करना है। आपको बताना है, हाँ भैया बोलना मत, काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। उनकी मर्जी। Intolerant, they won't tolerate. They'll either put you in jail or they would punish you in some sort or the other. Third, adopted censorship of press for curbing the liberal ideas. जिसकी खुली सोच है और वो कुछ पेपर में पढ़ने वाला है या छापने वाला है तो उसको हम लोग छापने नहीं देंगे, क्योंकि हमने प्रेस पे क्या कर रखी है, सेंसरशिप लगा के रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेस बिना हमसे पूछे कुछ भी छापेगा नहीं। नेपोलियन ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। नेपोलियन मर गया था ना, फिर तो कंजर्वेटिज्म आया था, बैटल ऑफ वाटरलू में। इसे ऊपर चल रहा है। नहीं, कांग्रेस ऑफ वियना था भाई 1815 में। फिर मैं सबको समझाया कि किसको क्या क्या पावर्स मिली। बर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ गई। तो बर्बन डायनेस्टी जब पावर, बर्बन डायनेस्टी वॉज अ कंजर्वेटिव, ठीक है, discouraged any questions that challenge their legitimacy. Legitimacy का literal meaning होता है जायज होना, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सवाल करो कि आपने इस गधे को क्यों बिठा दिया राजा पे जगह पर, ठीक है ना, तो अगर आपने इस गधे को राजा ने बिठाया तो कोई इसको गधा नहीं बोले, ये सोच पूछेगा भी नहीं कि ये लायक है कि नहीं। इसको गद्दी पे बिठाना जायज है भी कि नहीं, नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा। आपने बर्बन डायनेस्टी को पावर में रिस्टोर क्यों नहीं करा, क्यों करा आपने, वो क्यों नहीं किया, डायरेक्टली रूल ऑफ फ्रांस क्यों नहीं बनाया, आपने कन्वेंशन क्यों नहीं बनाया, आपने नेशनल असेंबली क्यों नहीं बनाई, आपने बर्बन डायनेस्टी को पावर पे क्यों रखा, ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है क्या? नहीं। सो दिस इज योर कंजर्वेटिज्म। क्या ये कहानी समझ में आई? तो यूरोप में ये कहानी चल रही थी, है ना, कि रशिया के राजा को पोलैंड दे दिया गया, उसको वो दे दिया, तो कोई खुश तो नहीं पूरे यूरोप में, कोई ना कोई हर कोई अपनी गवर्नमेंट से क्या था, डिससैटिस्फाइड था। गवर्नमेंट भी नहीं बोलना चाहिए, रूलर से डिससैटिस्फाइड, ठीक है ना। अब ऐसे में धीरे 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 कंजर्वेटिव रेजाइम्स के अगेंस्ट 19th सेंचुरी में लोगों की बत्ती जलने लग गई थी कि कंजर्वेटिव्स कर क्या रहे। आगे बात समझ में, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। भैया सिंपल सा लॉजिक है, आपको अलाउड नहीं है क्या करना, पब्लिक के लिए कुछ छापना, आपको अलाउड नहीं है कि आप डिससैटिस्फैक्शन शो करो, आपको अलाउड नहीं है कि आप उनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन करो, तो ये तो आप खुलेआम नहीं कर सकते। और क्योंकि आप चीजें खुलेआम नहीं कर सकते तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, सीक्रेट सोसाइटी बनाना। सीक्रेट सोसाइटी मतलब क्या होता है बेटा, जो रिवोल्यूशनरी थे, लो लिबरल्स थे, जो चाहते थे क्या आए, चेंज आए, उन्होंने धीरे धीरे बंदे इकट्ठा स्टार्ट करने कर दिए, कौन से, जो एग्जिस्टिंग रूल से क्या थे, डिससैटिस्फाइड बट नॉट ओपनली, दे यू नो कलेक्टेड पीपल, ठीक है, दे इन्वॉल्व पीपल बट वेरी सीक्रेटली, ठीक है ना। अगली बात समझ में, इनका काम क्या था, जो जिस जिस देश में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी आफ्टर लॉस ऑफ नेपोलियन, उन्होंने सब देशों में कहीं ना कहीं छोटे बड़े लेवल पे क्या हो रहा था, सब लोग ऑटोक्रेटिक रूल से डिससैटिस्फाइड थे, तो क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम की सीक्रेट सोसाइटीज बन गई थी, जिनका पर्पस क्या था कि एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे जिससे राजा को क्या करेंगे, थ्रोन से हटा देंगे। आ रही है बात समझ में? ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी था, कौन, ग्रेसिपे मजीद, ओके, ग्रेसिपे मजीनी, ठीक है। ये जो हमारा ग्रेसिपे मजीनी था, ये कौन सा रिवोल्यूशनरी था, ही वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, ठीक है। ये सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का एक मेंबर बना, मतलब इसने खुद की सीक्रेट सोसाइटी नहीं बनाई, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, कौन सी, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, उसका ये मेंबर बना। इसने क्या करा, लोगों को भड़काना शुरू किया राजा के अगेंस्ट। तो इसका वो जो रिवॉल्ट था, इसने 1831 में लुगुरिया में कपसर्ज प्लान किया था। कपसर्ज मतलब बहुत सारे बंदे इसने इकट्ठे कर लिए, बोले राजा के अगेंस्ट लोग रिवॉल्ट करेंगे। इसका ये रिवॉल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और क्योंकि इसका ये रिवॉल्ट क्या हो गया, फेल हो गया, तो इसको देश निकाला कर दिया गया, एग्जाइल मतलब इसको देश से निकाल दिया गया, इसको एक मतलब एक देशद्रोही के नाम से, देशद्रोही तो नहीं बोलेंगे, देश से निकाल दिया गया और एक
कंफाइंड प्लेस में रखा कि आप ये जगह छोड़ नहीं सकते, मतलब आप इस कंट्री से बाहर नहीं जा हाउस सकते। अरेस्ट टाइप भी कुछ हाँ, कर हाउस दिया। अरेस्ट टाइप का कर दिया, बट हाउस अरेस्ट नहीं होता, दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली हाँ बट दे मतलब कैन नॉट एंटर द लीव सेम दिस सिटी, नेशन अगेन। लीव दिस सिटी। हाँ, दे आर नॉट अलाउड टू कम बैक टू दैट नेशन। आई बात समझ में? पर इसकी फिर इसने क्या करा, ये शांति से तो बैठा नहीं, इसने दो सीक्रेट सोसाइटी उसकी खुद की बना ली, एक बना यंग इटली मार्सिलीज में और एक बना यंग यूरोप बर्लिन में। ठीक है, तो इसने ये दो सीक्रेट सोसाइटीज बना ली और इसके बंदे इकट्ठे करने लगे। इसको लगता था कि मैं इटली को एक रिपब्लिक में यूनाइट करूँ, रिपब्लिक मतलब यहाँ का जो हेड हो वो एक हेरिडिटरी रूलर ना हो बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, और इटली में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदे राज कर रहे हैं, ये जो टूटा हुआ नेशन है इसको ये यूनाइट करना चाह रहा था इनटू वन सिंगल प्रॉपर नेशन। आई बात समझ में? एक ऑथर था जिसका नाम था क्या, मेटरनिक, वो उसको उसको कहा जाता था, वो इसको बोलता था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। कौन सा सोशल ऑर्डर? जो अभी चल रहा था हायरार्की वाला। तो बोला ये उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है, इसको ये नॉन कंजर्वेटिव था, ये सिर्फ खत्म करना चाह रहा था सोशल हायरार्की। मेटर्निक नहीं, मेटर्निक वो सिर्फ ऑथर था, वो जो देख रहा था लिख रहा था। ठीक है, बहुत लोग उसे मोस्ट वॉसिफेरस, वॉसिफेरस मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। ठीक है ना, तो मोस्ट वॉसिफेरस एनिमी ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कंजर्वेटिविज्म, तो ये बहुत बड़ा दुश्मन था। किसका? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब राजा वाली गवर्नमेंट का, और कंजर्वेटिविज्म का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इटली जो था वो अपने आप में एक पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड कंट्री थी। ठीक है, कहने को वो एक नेशन था बट उसके अलग अलग पार्ट पे अलग अलग बंदे रूल कर रहे थे। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, पहला था सर्डिनिया पीडमोंट। सर्डिनिया पीडमोंट, इसको कौन रूल करता था? इटालियन प्रिंसली हाउस, ये मेन है। ये एक्चुअली इटली का प्रिंसली हाउस था जो बहुत अच्छा था। ठीक है, नॉर्थ पे कौन राज करके बैठे हुए थे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। अगर तुमको याद हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कांग्रेस ऑफ वियना, जहां हमने कहा था ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न इटली। तो नॉर्दर्न इटली पे कौन राज कर रहा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग राज कर रहे थे, मतलब इटली था नहीं इनका पर ये इटली पर राज कर रहे थे। ठीक है, जो सेंटर था वो किसके अंदर था? पोप का, चर्च के अंदर। पोप ही नहीं, इट्स पोप, जो चर्च का हेड होता है उसके अंदर था। कौन सेंटर? इटली का जो सदर्न पार्ट था वो किसके पास था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ये फ्रांस वाले बर्बन किंग नहीं, ये स्पेन के बर्बन किंग। आई बात समझ में? तो एक क्या था इटली का? प्रिंसली हाउस था। नॉर्थ किसके पास था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के पास। सेंटर किसके पास था? पोप के पास। और साउथ क्या था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के पास। ये बात समझ में? ठीक है, इटालियन लैंग्वेज जो थी वो अपने फॉर्म में स्टेबल नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियन लैंग्वेज बोलवाते थे। हाँ, तो ये अपने आप में क्या थी? स्टेबल लैंग्वेज नहीं थी। तो ये बात किसको नहीं अच्छी लगी थी? अभी हमने पढ़ा गुइसेप्पी मज़ीनी को अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी इच्छा थी क्या कि मैं इटली को एज अ नेशन क्या कर दूँ, यूनाइट कर दूँ। तो इसने क्या करा, सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली, हमने देखा इसने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली कहाँ बनाई थी? मार्सिलीज में, और यंग यूरोप बनाई थी बर्लिन में। बर्लिन में इसने दो रेवोल्यूशन करी, एक 1831 में और एक 1848 में, जो हमने पढ़ा इसको देश से निकाला गया था। 1831 में इसको लुगुरिया में इसने रेवोल्यूशन प्लान करके, और वो अपराइजिंग क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, और उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था। और 1848 में भी इसने एक रेवोल्यूशन करी, जिसके बाद में हम लोग अभी थोड़ी 5-10 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो इससे बात समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये बेचारा कोशिश बड़ी कर रहा था। तो ये जो इटालियन प्रिंसली हाउस था सर्डिनिया पीडमोंट के साथ मिल गया, इन्होंने इसका राजा था किंग विक्टर इमैनुएल टू। ठीक है, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुमसे ना हो पा रहा है, अब मैं करूंगा ये काम। ठीक है, इनके चीफ मिनिस्टर थे काउंट डी केवल। इनके चीफ मिनिस्टर कौन थे? काउंट डी केवल। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बोला कि देखो हमको क्या करना है, पूरे इटली को यूनाइट करना है, ऑस्ट्रियन किंग्स को वहां से भगाना है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को भगाना है, सेंटर में से पोप को हटाना है, और हमें क्या करना है, एक पूरे इटली को क्या कर देना है, यूनिफाई कर देना है इनटू वन सिंगल नेशन। ठीक है ना, तो
सबसे पहले इन्होंने क्या करा, काउंट डी केवर वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, इन्होंने क्या करा, फ्रांस से हाथ मिला लिया और ऑस्ट्रियन किंग्स को क्या कर दिया, हटा दिया। इनका जो सेनापति था फ्रांस में तो पपेट रूलर्स थे ना, हाँ, तो इनकी बात मान गए लोग, उनके पास फोर्स, इट्स अ पॉलिटिकल अलायंस बेटा, ठीक है। तो गुइसिपे गैरिबाल्डी इनका क्या था, लीडर था, तो काउंटी केवर चीफ मिनिस्टर था, जिसने पूरी बोलते ना कि स्ट्रेटजी प्लान करी और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट किसने करी, गुइसिपे गैरिबाल्डी ने। तो पहले तो उन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा दिया, उसके बाद गए साउथ इटली वहां से और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहां से इन्होंने क्या करा, स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया। पोप तो वैसे डर गया था, बहुत बेचारा था, नाम से ही दिख रहा है, तो उसने क्या करा, खुद ही पावर छोड़ दिया और 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल टू को क्या बोल दिया, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और रोम उसका क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया गया। क्या इतनी कहानी समझ में आई, क्या ये इजी लगा? हाँ,